पिज्जा। शेक शेक शेक, अब मैं क्या करूं? सर आपका पिज्जा। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू सर, मैं आपको भी चेंज देती हूँ। नहीं नहीं, चेंज की कोई जरूरत नहीं है, कीप द चेंज, अपने पास रखिए आप। अरे लेकिन सर। लेकिन कोई बात नहीं मैडम, आप प्रेग्नेंट होकर भी ये डिलीवरी का काम कर रहे हो, हमें आपके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो आप ये पैसे अपने पास रख लीजिए, आपके काम आएंगे। थैंक यू सर। वाह मैडम वाह, आप पिज्जा तो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करते हो। मैंने देखा आपने किस तरीके से नीचे गिरा हुआ पिज्जा कस्टमर का डिलीवर किया, और आपने जो कुछ भी किया है ना, मैंने ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। छी यार, क्या जमाना आ गया है। बताओ नीचे गिरे हुए पिज्जे को वापस डब्बे में डाल के डिलीवर कर रही है, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। लगता है मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। अभी जाता हूँ। अगर तुम चाहते हो वीडियो में उस भाई को ना दिखाऊं ना, तो चुपचाप से जो 500 करोड़ तुम्हें मिला है ना, वो मुझे दे दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इस तरीके से पिज्जा डिलीवर नहीं करना चाहिए था सर। अगर आप ये वीडियो उनको दिखा देंगे ना, तो मेरी जॉब चली जाएगी, और सर मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है सर। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। प्लीज़ सर, आप उन्हें ये वीडियो मत दिखाना। बस बस, मैं तुम्हारे यहाँ पे लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। तुम पैसे दे रही हो कि वीडियो दिखाने जाऊँ भाई को? प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप मेरी मजबूरी समझिए। इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड तो मुझे छोड़ के चले गए हैं, इसका ख्याल रखने वाली सिर्फ मैं हूँ। प्लीज आप ये पैसे मुझसे मत लीजिए। ये सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम पैसे दे रही हो कि वीडियो दिखाने जाऊं भाई को? लेकिन ये पैसे, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे दिखानी पड़ेगी वीडियो। नहीं नहीं रुकिए, मैं देती हूँ पैसे। तूने जो पैसे लिए ना इनसे, अभी का भी वापस कर। अरे यार तुम जानते नहीं हो इसने तुम्हें गिरा हुआ पिज्जा डिलीवर किया है, ये देखो। हाँ मुझे सब पता है, जब भी थोड़ी देर पहले मैं घर में अपने पिज्जा डिलीवर होने का वेट कर रहा था, तब मैंने ऐसे ही अपना कैमरा ऑन करके चेक करा, तब मैंने देखा इन मैडम के हाथ से गलती से पिज्जा गिर गया है, और फिर वही पिज्जा इन्होंने बॉक्स में डालकर मुझे डिलीवर कर दिया। क्या तुम्हें सब पता है? यार पिज्जा आने वाला था, अभी तक आया भी नहीं है। एक काम करता हूँ, सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ, कहीं गेट के बाहर खड़ा हो। अबे इस लड़की ने तो मेरा पिज्जा जमीन पर गिरा दिया, और वही पिज्जा वापस बॉक्स में डाल के मुझे ही डिलीवर करने वाली है। इसको तो आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इसकी तो पहले पहले तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया इस पर कि आज मैं इसको इसकी नौकरी से निकलवा ही दूंगा, पर जब मैंने बाहर आकर देखा कि ये प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी ये डिलीवरी का काम कर रही है, तो मुझे बहुत गर्व हुआ ये देखकर कि ये इस सिचुएशन में भी मेहनत कर रही है और कमा रही है अपने बच्चे के लिए। और तू एक अच्छे खासे घर से होने के बावजूद भी किसी गरीब को 500 रुपए के लिए परेशान कर रहा है, अरे थोड़ी तो शर्म कर। I'm really sorry यार, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती होगी, मैं चंद पैसों के चक्कर में मैंने मैडम को बहुत हर्ट किया है। मैम आई एम रियली सॉरी, मैं जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, ये लीजिए आपके 500 रुपए। आई एम सॉरी, वो मुझसे गलती से गिर गया था, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, और थैंक यू
मेरी मजबूरी को समझने के लिए। एक जगह आप जैसे लोग हैं जो हम जैसी लड़कियों को समझते हैं, हमारे काम को सपोर्ट करते हैं, और एक जगह तुम जैसे घटिया लोगों जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं मैडम, मैं समझ सकता हूँ। इसके पीछे जरूर आपकी कोई मजबूरी होगी, वरना इस सिचुएशन में भी कोई डिलीवरी का काम कर रहा है तो कोई ना कोई तो जरूर मजबूरी होगी ना। आप अपना ख्याल रखना बस। थैंक यू सो मच। और तू, अरे शर्म कर तू, अगर किसी की मजबूरी में तू उसकी मदद नहीं कर सकता ना, तो कम से कम उसकी मजबूरी का फायदा तो मत उठा। अब निकल यहाँ से।